आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू डाउटनेट लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन द क्वेश्चन इज सेइंग एच एन ओ थ्री इज अ सो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है एच एन ओ थ्री क्या है तो यहाँ हमें चार ऑप्शन गिवन है देख लेते हैं वन बाय वन फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है मिनरल एसिड सो so, मिनरल एसिड क्या होते हैं दीज आर ऑल्सो नोनेस इन ऑर्गेनिक एसिड्स इन ऑर्गेनिक एसिड्स ठीक है इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं जो कि ब्रेक करते हैं एच प्लस में और उसके कॉन्जुगेट आयंस में इन एक्वस मीडियम तो अगर हम देखें एच एन ओ थ्री को तो ये क्या करता है एक्वस मीडियम में ब्रेक करता है एच प्लस में प्लस उसका कॉन्जुगेट आयन दैट इज एच एन ओ सॉरी एन ओ थ्री माइनस तो ये हमारा इनऑर्गेनिक एसिड है ठीक है इनऑर्गेनिक एसिड्स में क्या होता है मोस्टली जो कार्बन ग्रुप होता है या फिर कार्बोक्सिल ग्रुप जो होते हैं वो एबसेंट होते हैं तो एच एन ओ थ्री क्या है हमारे पास ये मिनरल एसिड है ये करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में

ठीक है एच एन ओ थी स्ट्रॉग एसिड क्यों है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो कि कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं एच प्लस और आ, मतलब उसके कॉन्जुकेट आयन में इन एक्वस मीडियम और वीक एसिड क्या होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाते फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें सी एच थ्री सी ओ ओ एच जो कि एक ऑर्गेनिक एसिड है ठीक है अगर इसको देखें तो ये एक्वस मीडियम में किस तरह से डिसोसिएट होता है सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस प्लस एच प्लस में तो ये हमारा रिवर्सिबल होता है ठीक है तो इसका मतलब डिसोसिएट नहीं हो पाता तो जो एच एन ओ थ्री है वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये वीक एसिड वाला ऑप्शन गलत हो गया फोर्थ ऑप्शन में गिवन है एसिड तो ये ऑप्शन करेक्ट है तो यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है सो करेक्ट आंसर वुड भी ऑप्शन एंड ऑप्शन फोर सो देट सॉल्व फॉर दिस क्वेश्चन थैंक यू क्लास सिक्स से लेकर नीट आई आई टी एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स कवर हो सकता आज ही डाउनलोड करें डाउट नट या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर